डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एनालिसिस, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सीपीएम एंड पर्ट। अभी कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, फिर वो ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो, वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए कोई भी मैनेजर होता है, वो कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी टास्क सक्सेसफुली गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज करता है। वो टूल्स कौन कौन से हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। अभी इन तीनों का वो इफिशियंट वे में यूज कर पाए, उसके लिए वो कुछ टेक्निक्स का यूज करता है। ऐसी ही एक टेक्निक है नेटवर्क एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे सीपीएम एंड पर्ट। सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, और पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इन दोनों के बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्क एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी। अगर आप पढ़ रहे हो या फिर कुछ खा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी को हम एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी ये जो एक्टिविटी होती है वो रिसोर्सेस और टाइम दोनों कंज्यूम करती है। इस एरो के ऊपर हम क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन कि ये एक्टिविटी किसके बारे में है, और नीचे हम लिखेंगे टाइम, ओके, कि ये एक्टिविटी करने में कितना टाइम जा रहा है। ओके, अभी ये जो टेल पोर्शन है एरो का, उसे हम बोलेंगे स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी, और ये जो हेड पोर्शन है एरो का, उसे हम बोलेंगे फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटी। ओके, दूसरा देखते हैं इवेंट। इवेंट सपोज मान लो कि आप यहां से, घर से कॉलेज जा रहे हो, तो आप घर पे थे तो वो हो गई टेल इवेंट, और आप कॉलेज पहुंच गए तो ये हो गई हेड इवेंट। अब ये जो इवेंट होती है उसके दो टाइप है, जो मैंने आपको समझाए, टेल इवेंट और हेड इवेंट। वो रिसोर्स या टाइम उन्हें कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पाथ, अनब्रोकन चेन ऑफ एक्टिविटीज। ये क्या है? अनब्रोकन चेन ऑफ एक्टिविटीज, उसे हम क्या बोलेंगे? पाथ। उसके बाद नेटवर्क डायग्राम। अभी ये जो एक्टिविटीज है, इवेंट्स है, उन्हें हम लॉजिकली और सिक्वेंशियली नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क डायग्राम। ओके, उसके बाद प्रेडेसेसर एक्टिविटी। अभी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए, मान लो ये सेकंड के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, उसके लिए ये पहली एक्टिविटी, मैं इन्हें नाम दे देता हूं ए बी सी एंड डी, यानी कि ये बी एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए ए एक्टिविटी कंप्लीट होनी जरूरी है। तो ये जो ए एक्टिविटी है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेडेसेसर एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी, कोई एक एक्टिविटी खत्म हो जाए उसके बाद उसे फॉलो करती हुई दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, यानी कि ए के खत्म होने पर बी स्टार्ट होगी, बी के खत्म होने पर सी, सी के खत्म होने पर डी। तो मान लो ये ए और बी की बात करें, तो ए खत्म हुआ तो बी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो उसे हम बोलेंगे सक्सेसर एक्टिविटी। ओके, उसके बाद डमी एक्टिविटी। मान लो यहां से कोई और एक्टिविटी निकल रही है ई, जो किसी और एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो कंप्लीट होनी जरूरी है, तभी हमारा टास्क कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम बोलेंगे डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड लाइन से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लूपिंग। कभी कभी नेटवर्क डायग्राम में क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं तो कुछ एरर आ जाती है, और ये जो एक्टिविटीज का टाइम हमने दिया है, उसका पाथ हमने दिया है, वो गलत तरीके से दे दे तो एक लूप फॉर्म हो जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट एक्टिविटी है, ये सेकंड एक्टिविटी, और ये थर्ड एक्टिविटी, ए बी एंड सी, ओके, और इस तरह से लूप फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट प्लानिंग की एक एरर है,
तो ऐसा नेटवर्क डायग्राम में हम अवॉइड करते हैं, ऐसी एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम देखते हैं रूल्स फॉर नेटवर्क डायग्राम, कि हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो उनके कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं फुल्करसंस रूल। अभी हम कोई भी नेटवर्क डायग्राम बनाए तो वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होता है, कि कोई एक एक्टिविटी खत्म हो, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, ऐसी कोई लॉजिकल सीक्वेंस होती है। और हम यहाँ पे जो इवेंट्स बताते हैं उन्हें भी हम असाइन कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हमने किया था एक्टिविटी ए बी सी, उसके लिए इवेंट्स थी 1 2 3 4, तो हम इवेंट्स को असाइन करते हैं। तो ये जो इवेंट्स और एक्टिविटीज है जो नेटवर्क हमने बनाया है वो एक फ्लो ऑफ नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे खत्म कर रहे हैं उसका एक फ्लो होना चाहिए। इसके लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहला इनिशियल इवेंट, जो सबसे पहली इवेंट होगी उसे हम देंगे नंबर 1। अभी यहां से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एरो नहीं होंगे, ओके? क्योंकि ये क्या है, इनिशियल इवेंट, इसमें क्या होंगे, सिर्फ आउटगोइंग एरोस ही होंगे, ओके? और उसके बाद हम इस तरह से नंबर दे सकते हैं कि 2, फिर 3, 4, ओके? तो ऐसी सीक्वेंस में हमें नंबर देने हैं। सो फर्स्ट रूल कंप्लीट। सेकेंड रूल, कोई भी दो इवेंट हो उसका नंबर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसका नंबर मैंने 1 दिया, इसका 2 दिया, तो मैं फिर वापस से 1 और 2 नंबर नहीं दे सकता, मुझे सीक्वेंस में अलग अलग नंबर ही देने हैं। थर्ड, हेड इवेंट कंपेयर टू टेल इवेंट हैज हायर नंबर, ओके? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जहां से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वहां पे जो इवेंट है उसे हम बोलते हैं टेल इवेंट, और जहां पे खत्म हो रही है वहां पे जो इवेंट है उसे हम बोलते हैं हेड इवेंट, ओके? तो टेल इवेंट के कंपेयर में हेड इवेंट का नंबर हमेशा हायर ही होना चाहिए, वो उससे कम नहीं हो सकता। फोर्थ, फॉलो प्रोसीजर अंटिल फाइनल नोड इज रीच, यानी कि ये जो हम नेटवर्क बना रहे हैं वो हमें कहां तक बनाना है, जहां तक हमें कोई फाइनल नोड नहीं मिल जाता। मान लो कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा फाइनल नोड है, तो हमें वहां तक नेटवर्क बनाना है, तब तक हम ये जो तीनों रूल्स है उसे फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, ओके? उसके बाद फाइनल इवेंट हैज हाईएस्ट नंबर, क्योंकि वहां पे ही प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो उसका जो नंबर होगा इवेंट का वो सबसे हायर होगा। दूसरी चीज हमें ध्यान क्या रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग एरोज ही होंगे, यहां से आउटगोइंग एरोस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो ये रूल्स हमें ध्यान में रखने जब हम कोई भी नेटवर्क डायग्राम बना रहे हो तब। अभी देखते हैं नेटवर्क मॉडल्स। मान लो ये तीन एक्टिविटीज है ए बी एंड सी, ओके? तो नेटवर्क मॉडल्स दो टाइप के होते हैं, एओए यानी कि एक्टिविटी ऑन एरो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इवेंट्स को नंबर दे देंगे 1 2, इन दोनों के बीच में एक्टिविटी ए, 2 और 3 इन दोनों के बीच में एक्टिविटी बी, 3 और 4 इन दोनों के बीच में एक्टिविटी सी। तो इसे हम बोलेंगे एक्टिविटी ऑन एरो। ये तीन एक्टिविटी थी उन्हें हमें हमने एरो के ऊपर बताया है, तो इसे हम बोलेंगे एक्टिविटी ऑन एरो। सेम इसी के लिए हम एओएन नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे नोड में ए, यहां पे लिखेंगे बी, यहां पे लिखेंगे सी, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। सो ये हो गया एओए और ये हो गया एओएन। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।